ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर इन दिनों कई वजहों से काफी चर्चा में बने हुए हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है जिसकी वजह से वो काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ दिनों पहले वे अपने आप को चोटिल कर लिए थे जब वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जमाने के बाद जश्न मना रहे थे। अभी वे ऐसे सीरीज के बयानों के कारण भी चर्चा में थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी हुंकार भर दी है। और ये बयान तब सामने आया है जब गाबा में ऑस्ट्रेलिया की जीत का घमंड तोड़ने वाला भारत का युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत बुरी तरह से चोटिल और घायल है। लेकिन इस बीच डेविड वार्नर का ये बयान कहीं न कहीं इंडियन फैंस को कांटे की तरह चुभ गया। डेविड वार्नर का ये बयान कहीं न कहीं टीम इंडिया के उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर सकता है। चलिए जानते हैं डेविड वार्नर ने क्या कहा इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लेकिन हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि WTC के फाइनल में आप किन दो टीमों को देखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं WTC के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तो महज अब कुछ दिनों का समय बचा है जो कि भारत के घरेलू सरजमी पर खेला जाएगा। पिछला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के घरेलू मैदान पर खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया के घमंड को भारत ने चकनाचूर किया था। भारत के टेस्ट की इतिहास की सबसे बड़ी वो जीत थी जिसमें ऋषभ पंत की वजह से भारत ने वो जीत हासिल करी थी। वैसे तो पूरी टीम का योगदान था, लेकिन सबसे बड़े हीरो के रूप में पंत उभरे थे। हाल ही में पंत का कार एक्सीडेंट हो गया और जिसकी वजह से वो घायल हैं, चोटिल हैं, खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन पंत को अब रिकवरी करने में बहुत टाइम लगने वाला है। लगभग एक साल का समय बताया जा रहा है। ऐसे में पंत आने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी WTC के लिए भी बाहर ही रहेंगे। जो टेस्ट क्रिकेट को T20 और वनडे की तरह खेलता है, भारत का तुरुपका एक्का जब टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गया है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी यानी डेविड वार्नर ने जो बयान दिया है वो आपको भी हैरानी में डालेगा। चलिए जानते हैं डेविड वार्नर ने इसको लेकर क्या कहा है। क्योंकि उससे पहले मैं आपको ये भी बता दें कि जो चार मुकाबले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाएंगे ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी और इसी से भारत का WTC का फाइनल तय होगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक तीर से दो निशाना करना चाहती है। पहला ये कि अपना बदला पूरा करना चाहती है, दूसरा ये कि भारत को उसी के घरेलू सरजमी पर हराकर भारत का WTC का फाइनल का सपना तोड़ना चाहती है। और कहीं ना कहीं ये बात डेविड वार्नर के इस बयान से साफ हो जाती है। जी हाँ, डेविड वार्नर ने भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज हो रही है, जब उनसे भारत में होने वाले सीरीज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी। और डेविड वार्नर ने इंटरव्यू में कहा, मैं भारत के साथ होने वाले सीरीज के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ और उस सीरीज को जीतने के लिए ओवर एक्साइटेड हूँ। साथ में मैं ऐसे सीरीज भी जीतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ होने वाली उस सीरीज को जीतने के लिए डेविड वार्नर ओवर एक्साइटेड है। डेविड वार्नर के बयान तब सामने आया जब गाबा के घमंड का तोड़ने वाला ऋषभ पंत चोटिल हो चुका है। लेकिन डेविड वार्नर यही नहीं रुके। डेविड वार्नर का कहना है, भारत को उसी के घरेलू सरजमी पर हराने का एक अलग ही मजा है और हम उस सीरीज को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब भारत के लिए साफ संकेत है और अगर ऑस्ट्रेलिया का ये सपना पूरा भी होता है तो भारत WTC के फाइनल से बाहर भी होगा। लेकिन अब देखना होगा ऋषभ पंत की कमी भारत के लिए कौन करेगा पूरी।